नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से ऐसे किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़कर कुछ नया कर गुजरने की ठान चुके हैं। साथ ही वो बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का तो स्रोत बन रहे हैं, लेकिन बाकी किसानों की आय को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार भूमिका निभा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने कुछ नया कर गुजरने की ठान ली, जिसके चलते इन्होंने विश्वविद्यालय की मदद से आगे चलकर एक नया स्टार्टअप शुरुआत किया। उस स्टार्टअप के जरिए वो आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके स्टार्टअप के बारे में और इन्होंने कैसे स्टार्टअप की शुरुआत की। शहरों में बढ़ती आबादी को खाद्यान्न, सब्जी और फलों की आपूर्ति किसानों के खेतों से होती है। आज लोग जो अनाज, फल और सब्जियां खा रहे हैं उनमें कितना जहर मिला हुआ है, ये शायद लोगों को पता ही नहीं रहता। कीटनाशकों के प्रयोग के बाद बाजार में आने वाले इन उत्पादों का अच्छा पैसा देकर भी हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या जहर खा रहे हैं, इन उत्पादों में कितना जहर मिला हुआ है। खेतों में फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए लोग कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। खेतों में कीटनाशकों के प्रयोग से फसलें तो बीमारियों से बच जा रही हैं, लेकिन इन कीटनाशकों के प्रयोग का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हम जाने अनजाने इन उत्पादित फसलों के सेवन से बीमार हो रहे हैं। जो बीमारियां गांवों में नहीं थी, वो बीमारियां भी अब गांवों में आ रही हैं। कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को देख सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में अध्ययनरत हार्टिकल्चर के चतुर्थ वर्ष के छात्र अरुण सिंह ने संकल्प लिया कि कृषि को ऐसा बनाना है जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग ना हो। इसके लिए अरुण ने ऐसे मित्र कीटों को तैयार किया जिससे कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना खेत से शत्रु कीटों का सफाया हो सके और फसल के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित हो। खेतों और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में अरुण कहते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक स्टार्टअप का स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं एक इंसेक्ट से दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट का मारते हैं, जिससे हम इंसेक्टिसाइड को यूज को बहुत कम करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य मेनली यही है कि इन्वायरमेंट को सेव करना है और जितने भी इंसेक्टिसाइड हार्मफुल हमारे बॉडी में जो इफेक्ट करते हैं उनके यूज को कम करना है। और जिसके लिए मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ पाया कि एक ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट होता है जो दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को मारने के लिए काम आता है, जो कि आज के किसानों को नहीं पता हमारे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले अरुण ने खेतों में कीटनाशकों के हो रहे प्रयोग के दुष्प्रभावों को समझा और इसका निदान तलाशने लगे। अरुण को मालूम था कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मित्र जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने खेतों में मित्र कीटों को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप का सहारा लिया और बढ़ गए ट्राइकोग्रामा कार्ड बनाने की ओर। ट्राइकोग्रामा कार्ड एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से खेत में मौजूद शत्रु और छेदक कीटों का सफाया किया जा सकता है। ट्राइकोग्रामा कार्ड के प्रयोग से फसल और खेत की सेहत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। ट्राइकोग्रामा कार्ड की उपयोगिता बताते हुए अरुण कहते हैं कि इसके प्रयोग के बाद इंसेक्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो कार्ड है, इस कार्ड पे हम अंडे लगाते हैं। एक इंसेक्ट जिसका इंसेक्ट हम इसमें पालन किया है, हम इसमें पालन करते हैं एक इंसेक्ट का, ट्राइकोग्रामा का, उसको फर्टिलाइज कराते हैं लैब में और उसके बाद हम इसको उसके एक स्कोर लगभग 20,000 अंडों को हम इस कार्ड पे चिपकाते हैं और इसको फिर टुकड़ों में कट करके गन्ने के खेत में जहाँ भी छेदक कीड़े लगते हैं, फल छेदक, स्टीम छेदक, तना छेदक, जितने भी छेदक कीड़े हैं जो हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करते हैं, जैसे गन्ने में हम देख लें तो स्टीम बोरर और रूट बोरर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। इधर मेरठ क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, इधर सबसे ज़्यादा हार्मफुल अगर माना जाए तो स्टीम बोरर का है, तो उसकी उसमें बहुत ही कारगर है। अगर आप हम बता रहे हैं अगर 4 से 5 कार्ड हम एक एकड़ के खेत में लगा दें तो उसके बाद हमें इंसेक्टिसाइड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंसेक्टिसाइड की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। और इस कार्ड की कीमत भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मिनिमम कार्ड की प्राइस है।
ट्राइकोग्रामा एक परजीवी होता है जो शत्रु कीटों के अंडों को खाकर शत्रु कीटों को पनपने से रोकता है। इन्हें तैयार करने के बाद कार्ड के माध्यम से पौधों के भाग पर चिपका दिया जाता है। अनुकूल तापमान मिलने पर ये सक्रिय हो जाते हैं और शत्रु कीटों के अंडों को खाकर उन्हीं में अपने अंडे देकर वृद्धि करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि एक ट्राइकोग्रामा होता क्या है। ट्राइकोग्रामा एक परजीवी होता है, अंड परजीवी का मतलब होता है जो अंडों को खाता हो, दूसरे कीड़े को अंडों को खाता हो। एक ये हार्मफुल इंसेक्ट है, ठीक है, जो एक हार्मफुल इंसेक्ट है जो हमारे खेत को नुकसान करता है उसको हम हार्मफुल इंसेक्ट कहते हैं। लेकिन जो हम लैब में तैयार करते हैं, एक बेनिफिशियल इंसेक्ट को तैयार करते हैं। जब वो इंसेक्ट का हम अंडे को इसमें चिपका के किसानों को देते हैं तो किसान क्या करता है, कट करता है इसको, कट करके पत्तों के नीचे जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसके नीचे पेस्ट कर देता है इसको। स्टेपलर हम देते हैं साथ में, स्टेपलर से वो कर देता है। जब अनुकूल टेम्परेचर इसको मिलता है लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से अंडे में से एडल्ट निकलते हैं। एडल्ट का मेनली काम होता है कि दूसरे कीड़े के अंडों को ढूंढना और खाना, और खाने के बाद उसी अंडे में अपना अंडा देना, मतलब जो हार्मफुल अंडा है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल बनाना हमारे लिए। तो हमारा ये है कि अगर इसमें से अंडा निकला, जो हार्मफुल इंसेक्ट पड़े उनके खेतों में, उनके अंडों को खा जाएगा ये। खाने के बाद, खाने के साथ साथ उसी में अपना अंडा भी देगा, जो उसमें शेष मटेरियल बचते हैं। अगर एक हार्मफुल इंसेक्ट है उसमें से लगभग 10 से 12 बेनिफिशियल इंसेक्ट निकलेंगे, क्योंकि ये जो एग्स हैं उसमें अपना एग्स दे देगा। अब वो एग्स, एक अंडे हार्मफुल अंडे से 10-12 इंसेक्ट बेनिफिशियल निकल रहे हैं, वो बेनिफिशियल इंसेक्ट हमें क्या करेंगे, फिर से दूसरे इंसेक्ट को। अगर हम इंसेक्टीसाइड यूज करते हैं तो जहाँ पे जिस कीड़े के ऊपर इंसेक्टीसाइड पड़ा वो तो मरा, लेकिन जो छुप के बैठा है वो तो नहीं मरेगा, लेकिन ये जो कीड़ा है उस कीड़े को ढूंढ ढूंढ के खाएगा। मतलब इनकी इतनी, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे। एक बार हम लोगों ने क्या किया कि एक रूम में एक हार्मफुल इंसेक्ट को छुपा दिया, उसके अंडे को छुपा दिया, और उसमें अपना एक कार्ड मैंने रिलीज़ किया। मैंने पाया कि ये इतने ज़्यादा इनकी सेंसिंग पावर है कि उसने बिल्कुल ढूंढ निकाला वो अंडा कहाँ छुपा रखा था। हमने बिल्कुल अंदर छुपा रखा था बाल्टी के, उस बाल्टी के अंदर जाके उसने उस अंडे को खा लिया और उसमें अपने अंडे दे दिए। तो ये इतने कारीगर है हमारे लिए। खेतों में इंसेक्टीसाइड के प्रयोग से पौधों के विभिन्न भागों में छिपे शत्रु कीट बच जाते हैं, लेकिन ट्राइकोग्रामा कार्ड के कीट इन छिपे कीटों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट करते हैं। पर्यावरण अनुकूल ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट को तैयार करना काफी आसान है। किसान चाहें तो इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट बनाने की विधि को बताते हुए अरुण समझाते हैं। मैंने आप सभी को इस कार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम आपको बताएंगे कैसे इस कार्ड को अगर कोई किसान भाई बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि इसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो प्राथमिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ज्वार। ये ज्वार जो है हमें इजीली हर किसान भाई के घर में मिल जाता है, और इसमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ईस्ट हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, कुछ पानी और कुछ विटामिन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम मिक्स आउट करते हैं। और एक कल्चर होता है जो ट्राइकोग्रामा कार्ड का, ये जो कल्चर है इंसेक्ट है, इसके अंडे डालने पड़ते हैं हमें इस कल्चर में। इसमें इंसेक्ट है जिसको राइस मॉथ कहते हैं, हम साइंटिफिकली राइस मॉथ कहते हैं। ये इन जो ज्वार डाले, इन ज्वार को खाते हैं और अंडे को देता है अपना, उस अंडे को हम यूज करते हैं आगे की प्रोसेस को बनाने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कैसे एक पूरे प्रोसेस को किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम ज्वार लेते हैं, ज्वार लाते हैं। ये जो ज्वार है इसको लाते हैं मार्केट से, या जो आपके किसान भाई उनके घर पे अवेलेबल भी होता है, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल जो दलिया होती है ना, आप सभी ने दलिया देखा है, उस दलिये के बारीक कटवाते हैं, बहुत पीसना नहीं है इसको। जो भी मिल है, राइस मिल वगैरह होती है, सब कर देते हैं। और उसको कूटने के बाद हम इसमें लाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि हम इसको पहले स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट, दूसरा इंसेक्ट नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। इसलिए एक प्रॉपर लैब की जरूरत पड़ती है, छोटे स्पेस की जरूरत पड़ती है। मैं मानता हूं अगर 2 रूम की अगर किसी किसान भाई के पास है तो ईजिली इस चीज़ का उत्पादन स्टार्ट कर सकते हैं, 2 रूम में ईजिली कर सकते हैं। ज्वार में क्या करेंगे, हम ज्वार लाने के बाद पहले उसमें नमी देखते हैं। अगर नमी ज्वार में है, क्योंकि एक कीड़ा है, कीड़े को कोई भी कीड़ा हो उसको नमी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कीड़ा होता है जब उसको अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलेगा तभी वो अपने विकास करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लगभग 150 ग्राम इस जो ज्वार है इसमें लगभग 2.5 किलो ज्वार एक बॉक्स में पड़ती है। बॉक्स आपको बनवाना पड़ेगा, ये बॉक्स देखिए आप सभी, ये ऐसा बिल्कुल 2.5 किलो जैसा बॉक्स है। इसमें एक जाली लगी होनी चाहिए, कोई भी बॉक्स ले सकते हैं जिसमें जाली लगी हो, जिसमें इंसेक्ट को हवा और पानी मिलता रहे, ठीक है, मॉइस्चर मिलता रहे। और इस बॉक्स में हम लगभग 2.5 किलो ज्वार भरते हैं। सर्वप्रथम ज्वार लाने के बाद मार्केट से क्या करना है कि ज्वार को हमें रखना है, उसमें देखना है मॉइस्चर का लेवल क्या है। अगर मॉइस्चर लेवल सही है तो उसमें
कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्सर मॉइस्चर का लेवल कम ही होता है, क्योंकि ड्राई जब भी हमें मिलता है तुरंत मार्केट से हार्वेस्ट हुआ प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, तो हम क्या कहते हैं मार्केट से ड्राई ही लाते हैं। तो ड्राई ज्वार को क्या करना होता है, उसमें लगभग 150 ग्राम, मतलब एक बॉक्स में 150 ग्राम पानी मिलाना है। उसके बाद हमें ईस्ट लगभग 5 ग्राम पर बॉक्स के हिसाब से, मतलब 2.5 kg पे 5 ग्राम ईस्ट, ईस्ट एक्स्ट्रैक्ट पाउडर, ईस्ट एक बेकरी में ईस्ट यूज होता है, उस ईस्ट का यूज हमें नहीं करना है, ईस्ट एक्स्ट्रैक्ट पाउडर का यूज करना है, उसे मिक्स करना है। और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम है कि फंगिसाइड है, जो फंगिसाइड यूज किया जाता है, जो कि मतलब अदर फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो उसको कंट्रोल करने के लिए। उसको सब कुछ मिक्स करने के बाद प्रॉपर उसमें ये ध्यान जरूर रखना है किसान भाइयों को कि इसमें ज्वार में जो है गुलियाँ नहीं बने, जो पानी जब आप मिक्स करते हैं तो उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, वो गांठें ना बने, उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। हम अभी आपको अंदर प्रोसेस बताएंगे कैसे। और उसको भरने के बाद जो कार्ड है, उस कार्ड को लेने के बाद, अंडे तो अंदर हैं, मैं दिखाऊंगा आपको भी, उस कार्ड को इजीली इस पे अंडे लेके, जो ये इंसेक्ट के अंडे हैं ये जो हमने इसमें ट्रांसफ़र किया है, कल्चर आता है डायरेक्टली, उस कल्चर को डायरेक्टली ऐसे ऐसे स्लो प्रोसेस में ऊपर ऊपर डालना है। और इसको 30 दिनों के लिए बिल्कुल बंद करना, 30 से 45 दिनों के लिए बंद कर देना है, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मित्र जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के दौर में कीटनाशकों के अनवरत प्रयोग से शत्रु कीटों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन अनुकूलन होने के कारण एक सीमा के बाद इन कीटनाशकों का शत्रु कीटों पर प्रभाव भी नगण्य हो जाता है और खेतों की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होने लगती है। फसलों में कीटनाशकों का प्रभाव आने से इसके दुष्परिणाम भी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मित्र कीटों को बढ़ाकर शत्रु कीटों का उपचार करना प्रभावशाली तरीका साबित हो रहा है। ऐसी दशा में ट्राइकोग्रामा कार्ड किसानों के खेत और फसल के लिए बेहतर माना जा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सफल किसान अरुण ने स्टार्टअप कर अपने जीवन में बदलाव लेके आए हैं, इस तरीके से वो बाकी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। अब यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अरुण जी की कहानी की दिलचस्प और भी कई बातें जानेंगे। तब तक आप बने रहें और देखते रहें सफल किसान। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, ढाई करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और अब हम सीधा रुख करते हैं अरुण जी का, और अरुण जी से ही जानते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में कुछ रोचक बातें। ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट तैयार करने के बाद ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार करना भी बेहद आसान है। ट्राइकोग्रामा कार्ड को तैयार करने के बाद इसका प्रयोग करने में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कार्ड का बेहतर इस्तेमाल हो सके। ट्राइकोग्रामा कार्ड के बेहतर इस्तेमाल के लिए 20 से 30 दिन का समय अच्छा माना जाता है, इसके बारे में अरुण कहते हैं। अब मैं इन अंडों को स्टरलाइज कर चुका हूँ, अभी इसमें कोई भी इंसेक्ट जिंदा नहीं है, मतलब वो बस देखने के लिए, हमें आपको माइन्यूट आंखों से दिखेंगे नहीं है, इतने छोटे अंडे हैं। अब इन अंडों को हमें करना क्या है, एकेसिया गम आती है मार्केट में, एकेसिया गम आती है, सिंपली जो कॉर्नर नुमा बनवा रखा है हमने, एक कार्ड सिंपली जहाँ शादी का कार्ड बनता है वहाँ पे छप जाता है, 0.25 रुपीज़ में छप जाता है एक कार्ड, उससे भी कम में अगर आपका है सिस्टम तो उससे भी कम में हो जाता है। उस पर क्या करना है कि हमें एकेसिया गम लगा के इस अंडों को हम इस पर चिपका देंगे। सिंपली क्या करना है, एकेसिया गम लगाएंगे हम और अंडों के ऊपर ऐसे बस एक बार सिंपली पास कर देना है। पास आउट करने से क्या होगा, इस पर अंडे ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगे, अपने हाथ का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एकेसिया गम हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक ऐसी अगम हमारे पास है, इस एक ऐसी अगम को हम ब्रश से, एक छोटा ब्रश आता है वो ब्रश हम दिखाएंगे, एक छोटा सा ब्रश आता है बिल्कुल इससे भी, ये तो बड़ा वाला ब्रश है, अभी हम कहीं मेरे रख दिया है, वो बिल्कुल ऐसे इस पे पेस्ट करना है। सिंपल पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद ये क्या होगा, इस पे चिपक गया। अब हम अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट का, अब हमारे पास प्योर कल्चर होते हैं इस इंसेक्ट के, ऐसे ऐसे वैक्यूम में हमारे पास प्योर कल्चर आते हैं डायरेक्टली, हम बेंगलोर से इसको एक्सपोर्ट करते हैं,
अब तो हम खुद दे देते हैं हर किसी को, जिसको चाहिए होता है हम उसको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। वो अंदर प्योर कल्चर, उसको बाहर निकालना हमारे लिए अभी सही नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर सही नहीं है यहाँ का। तो इस प्योर कल्चर में क्या करते हैं हम कि ये जो कार्ड है, ऐसे प्योर कल्चर में सारे कार्ड्स को हम रख देंगे इसमें, इस बॉक्स में सारे कार्ड को डाल देंगे, इसके अंदर नॉर्मल बॉक्स में किसी चीज़ में हम डाल देंगे। लगभग एक दिनों के लिए हम डाल के इसमें छोड़ देंगे। और इसमें सिंपल एक इंसेक्ट, एक से दो इंसेक्ट का स्ट्रिप, जिसमें लगभग 10 से 15 इंसेक्ट होंगे, और एक कार्ड लगभग 100 से 50 कार्ड होगा। ये 100 से 50 कार्ड होंगे और उन सारे कार्डों को फर्टिलाइज कर देगा। और फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या होंगे, ये डायरेक्टली हमारे यूज के लिए तैयार होंगे, जिनको हमें 30 से 45 दिनों के अंदर यूज करना होगा। अगर इस कंडीशन में अगर हम यूज नहीं कर पाते खेतों में, तो इसको क्या करना है कि हमें नॉर्मल जो फ्रिज है घर पे, उस फ्रिज में रख देना है, जिससे ये अंडे खराब नहीं होंगे। आज के दौर में खेतों और फसलों को बेहतर बनाने के लिए नई नई तकनीक आ रही है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन इनके दाम अगर अधिक हों तो किसान इनका इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस स्थिति को देखते हुए अरुण ने अपने द्वारा तैयार ट्राइकोग्रामा कार्ड की कीमत बाजार में उपलब्ध दूसरे कार्ड के मुकाबले काफी कम रखी है। अरुण इस कार्ड को किसानों को कम दाम पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक किसान इसका फायदा उठा सके। अब मैंने जो टेक्नोलॉजी यूज की है, अभी मार्केट में जो कार्ड मिल रहा है उसकी प्राइस लगभग 120 रुपए है। कई कंपनियां हैं जो 150 से 120 रुपए तक देती हैं, लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो मात्र 70 रुपए में, आधे दाम पे। क्यों आधे दाम पे क्यों दे पा रहा हूं? पहली बात तो मेरी पढ़ाई है इसी में, तो पढ़ाई होने के कारण हमने कुछ इस पे रिसर्च की है, जिसमें हमने पाया कि कुछ टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज कर दें तो इनके प्राइस को हम कम कर सकते हैं और ईजिली खेतों तक किसानों को पहुँचा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि गांव में, हर एक गांव में एक किसान को ढूंढते हैं जो एक जागरूक किसान हो, और जागरूक किसानों को क्या करते हैं कि उस जागरूक किसानों को एक को हम कुछ ना कुछ मार्जिन देते हैं। मान लीजिए हम 10 रुपये इनका मार्जिन उनको दे दिया, तो उनको भी प्रॉफिट होता है। 10 रुपये की मार्जिन मैंने दे दिया तो उनका भी कहीं ना कहीं आज रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि हमको कार्ड देते हैं तो जो आसपास के किसान होते हैं वो उनको सप्लाई करते हैं, तो किसानों का भी फायदा हुआ और जो किसान उनसे जुड़ रहे हैं उनका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को, जो मेरा उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, किसानों को, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की मदद करना मेरा उद्देश्य बचपन से रहा है। मैंने बचपन से देखा है किसान कितना परेशान होता है अपने खेतों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में अध्ययनरत हार्टिकल्चर के चतुर्थ वर्ष के छात्र अरुण सिंह ने एक ऐसा फ्रूट फ्लाई टैप मशीन बनाया है, जिससे हानिकारक कीटों को आसानी से मारकर आम, अमरूद जैसे फलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इस मशीन के बारे में जानकारी देते हुए अरुण कहते हैं, इस ट्रैप को हम क्या करते हैं कि हम, ये मेनली सिद्धांत पे काम करता है कि हम अगर सोसाइटी से मेल इंसेक्ट को मार दें, जो मेल इंसेक्ट होते हैं मतलब मादा, जो मादा है, अगर मादा अगर बिना, आप जो मेल कहते हैं, मेल फीमेल होता है, अगर मेल नहीं रहेगी तो फीमेल नहीं रहेगी तो मेटिंग नहीं होगा, मेटिंग नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, तो उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक जो फीमेल होती है एक फेरोमोन रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है, जिससे मेल जो कीड़ा होता है उससे अट्रैक्ट होता है उसे मेटिंग करने के लिए। जब वो मैच्योरिटी पे आती है तो उससे मेटिंग करने के लिए अट्रैक्ट होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि लैब में तैयार करते हैं केमिकल, जो मादा अपना वही रिलीज करती है केमिकल, उसे फेरोमोन कहते हैं, हम साइंटिफिकली फेरोमोन कहते हैं, उसको हम लैब में बनाते हैं। और इसमें एक छोटा सा कॉटन का वो दिया हुआ है, इस कॉटन को उस केमिकल में हम डुबो देते हैं, तो इसमें जो उस मादा की स्मेल है इस कॉटन में आ जाएगा। उसके बाद हम करते क्या हैं कि इसको हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, बॉक्स के अंदर डाल देना है। इसमें हमने हुक लगा रखा है, ये हुक लगा रखा है, और इस बॉक्स को बंद कर देना। आज के दौर में खेतों में फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे जहां शत्रु कीट नष्ट हो रहे हैं, वहीं मित्र कीटों की भी संख्या तेजी से घट रही है। ऐसे में शत्रु कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों के प्रयोग की बजाय उन्हें मित्र कीटों से समाप्त करने का सिद्धांत बेहद कामयाब हो रहा है। ऐसा करने से जहां पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होता है, वहीं मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ने पाता। प्राकृतिक तरीके से शत्रु कीटों के नष्ट होने से मित्र कीटों की संख्या बढ़ेगी और खेत के साथ साथ मानव जीवन का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।
दोस्तों यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय कैसे किसानों के जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं, कैसे उनके अधिकारी तमाम प्रयास कर किसानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक आप बने रहें और देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। अब हम रुक करेंगे कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों का, जो अधिकारी खेती किसानी से जुड़े हुए कृषकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं और उनके अथक प्रयासों की वजह से ही किसान तमाम तरह के स्टार्टअप कर पा रहे हैं और तमाम तरह की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ाने और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये विश्वविद्यालय देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय से जुड़े हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय के छात्र अरुण सिंह सहित कई छात्र स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ ट्राइका कार्ड का व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। इस बारे में विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट विभाग के निदेशक प्रोफेसर आर एस सेंगर कहते हैं, कृषि विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पर छात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा के साथ साथ पीएचडी के लिए आते हैं। यहां पर 6 महाविद्यालय स्थापित हैं, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों में देखा गया है कि छात्र केवल स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं या फिर रोजगार या नौकरी के लिए इधर उधर घूमते हैं और उसके उपरांत कंपटीशन की तैयारी करने के उपरांत कुछ रोजगार पा सकते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय ने प्रयास किया कि कुछ छात्रों के ग्रुप बनाकर उनको नई चीज़ सिखाई जाए, तो यहाँ पर देखा गया कि हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय के कुछ छात्रों का इंटरेस्ट था कि वो अपना स्टार्टअप प्रारंभ करें। प्रोफेसर सेंगर बताते हैं कि संस्थान का प्रयास रहता है कि उनके छात्र स्वरोजगार की भावना के साथ आगे बढ़ें। यहाँ के छात्र स्टार्टअप के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि छात्रों ने ट्राइको कार्ड बनाया है जिसकी पूरे देश में बहुत अधिक मांग है। इको फ्रेंडली और कम कीमत होने से ये ट्राइको कार्ड किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। सेंगर जी के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति का भी मानना है कि छात्र यदि शिक्षण के साथ साथ अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ये देश के लिए अच्छा होगा। स्टार्टअप की यदि हम बात करते हैं तो शायद ये प्रदेश का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय होगा जहां से छात्र स्टार्टअप को लेके आगे बढ़े हैं और ये अपनी डिग्री के लेने के बाद कंप्लीट करेंगे तो वो इस ट्राइको कार्ड को बनाकर विभिन्न शुगर कैन की जो कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्रीज है पूरे देश के अंदर, उनको बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इनकी बहुत अधिक मांग है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होने के कारण इनकी मांग बहुत अधिक होती है। इनका जो प्राइस है वो भी कम रहता है, जो हम पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स फसलों के ऊपर डालते हैं उससे भी फसल को बचाया जा सकता है। तो ये तकनीक ऐसी है जो इको फ्रेंडली तरीके से, बायोकंट्रोल मेथड एक इको फ्रेंडली मेथड है जिसके द्वारा हम कम कीमत पर फसलों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ती है और हम कम इनपुट देकर अपनी फसलों को कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में ये छात्र आगे आए, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम था और हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा
कहा जा सकता है कि ये एक स्टेप था कि हमारे छात्र यहाँ से स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ेंगे और भविष्य में ये एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करके हमारे भारत के किसानों की सेवा कर सकेंगे। देश में किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं स्टार्टअप के द्वारा खेत की उपज को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशकों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। तितली ट्राइकोकार्ड और फ्रूट फ्लाई टैप मशीन एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, ये सब प्रोग्राम हैं, और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य, और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो, या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं, और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। किसान खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करके फल फूल और फसल उत्पादन करता है, लेकिन इनमें लगने वाले कीटों और बीमारियों से फसलों को बचाने के लिए किसान कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इन कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से खेतों में उगने वाली फसलों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। उत्पादित फसलों में कीटनाशकों की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसका मानव जीवन पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों पर लगने वाले शत्रु कीट तो मरते ही मरते हैं, लेकिन इनके साथ ही खेत में मौजूद मित्र कीटों का भी सफाया हो जाता है। मित्र कीटों के मरने से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के सफल किसान अरुण की कहानी। ऐसे ही तमाम सफल किसानों की कहानियां हम अपने सफल किसान कार्यक्रम में आपको लेकर आते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं। किसी सफल किसान की कहानी को लेकर आप हम तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं या इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव या कोई सलाह आप देना हमें चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिखकर अपने सुझाव और अपनी सलाह पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव और अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan.dd@gmail.com। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर से होंगे हाजिर नई कहानी लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।